हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐतिहासिक दिन है, 9 नवंबर 2019। आज महत्वपूर्ण ये क्यों है आखिर? तो हम देखते हैं आज कि आज तो एक तो जो है कि हमारे गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व है ना, तो जिसके लिए एक महत्वपूर्ण भारत के दृष्टिकोण से यदि बात की जाए तो करतारपुर कॉरिडोर जो है तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच जिस प्रकार से जो है तो एक प्रकार से एक कल्चरल डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये एक प्रकार से आगे जो है तो इसके कुछ काफ़ी सकारात्मक मतलब कि इसके वो देखे जा सकते हैं परिणाम। करतारपुर के बारे में बात की जाए तो यहाँ पास जो है तो गुरु नानक देव जी ने अपने मतलब कि जीवन के अंतिम वर्ष यहीं पास मतलब कि गुजारे थे। तो ये जो है तो यदि हम बात करते हैं कि श्रद्धा के दृष्टिकोण से, आस्था के दृष्टिकोण से जो है तो ये बात करें तो ये सिख हमारे जो सिख कम्युनिटी है तो उनके लिए तो बहुत ही बड़ा आस्था का केंद्र माना जाता है। तो उसी दृष्टिकोण से बात करते हैं कि यहाँ पास जो एक कॉरिडोर बनाया गया है लगभग 4.5 किलोमीटर के आसपास ना, जो कि यहाँ पास भारत के जो डेरा बाबा ननकाना साहब से लेकर के पाकिस्तान के करतारपुर तक ये जो कॉरिडोर बनाया गया है, तो ये बात देख सकते हैं कि जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच विभिन्न उसमें मतलब कि देखते हैं कि तनाव देखने को मिला है ना, चाहे किसी प्रकार को, लेकिन जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इस मामले में कहीं भी इस प्रकार के गतिरोध ज़्यादा देखने को नहीं मिले। और जिस प्रकार से दोनों देशों ने इस मामले में बढ़ चढ़ करके काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से बहुत ही अच्छा वो जो कदम मतलब कि इसके लिए बढ़ाया है, तो निश्चित तौर पे ये भारत और पाकिस्तान के लिए जो है तो एक प्रकार से ये नए आयाम स्थापित करेंगे है ना। और वहीं यदि हम बात करते हैं कि जहाँ पास ये 550वां प्रकाश पर्व गुरु नानक देव जी का मनाया गया, तो वहीं पास एक बात करते हैं कि आज जो है तो आज के दिन की इम्पोर्टेंस किस लिए है कि आज ही के दिन 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार गिरी थी, और उसके बाद ही जो है तो एक प्रकार से जो पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी जो थी इनका एकीकरण आगे हुआ था। तो उसी की हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आज जो है तो हम बात करें तो भारत के संदर्भ में अयोध्या विवाद का निपटारा भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कि महत्वपूर्ण था, और काफ़ी दशकों से लंबित मामला था जिसको आज की हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रकार से पूरी तरह से जो तो एकदम इसको क्लियर कर दिया है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये भारत के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार सहायक इसको माना जा सकता है ना, क्योंकि जिस प्रकार से देखते हैं कि इनमें एक प्रकार से कहीं ना कहीं जो है तो भारत की बात करें कि ये जो है तो ये एक प्रकार से राजनीतिक स्तर पर बात की या सामाजिक या आर्थिक किसी भी मायने पर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है तो भारत के विकास में इस प्रकार की मतलब कि ये जो निर्णय था, एक तो ये जो तो बात करते हैं कि हिंदुओं के मतलब कि बहुत ही बड़े आस्था का केंद्र है, जिस प्रकार से मुस्लिम कम्युनिटी का मक्का मदीना कहा जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पास राम जन्मभूमि जो अयोध्या है तो ये हिंदू समुदाय का जो है तो एक प्रकार से बहुत ही बड़ा आस्था का केंद्र रहा है। तो निश्चित तौर पर इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो है तो भारत में मतलब कि इसकी महत्ता जानी जा सकती है ना। तो चलते हैं हम आज पहले देखते हैं कि आज क्या आया है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अयोध्या मामले में, जो कि काफ़ी मतलब कि कई दशकों से लंबित मामला था, तो उसके बाद हम इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया है, इस ऐतिहासिक फैसलों को सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की संविधान पीठ ने मतलब कि इसको फाइनल किया, जिसमें से हमारे चीफ जस्टिस सी जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, इसमें से ये 5 जजों की पीठ थी जिसने इस फैसले को सुनाया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एक हिस्टोरिकल डिसीजन इन्होंने दिया है ना। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि क्या कि इस डिसीजन जो दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके बाद हम इसके बैकग्राउंड पर चलेंगे। यहाँ पर डिसीजन में जो है तो CJI ने कहा है कि हम सर्वसम्मत से फैसला सुना रहे हैं और इस अदालत को धर्म और श्रद्धालुओं की आस्था को स्वीकार करना चाहिए, अदालत को संतुलन बनाए रखना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि जो मीर बाकी ने जो बाबरी मस्जिद बनवाई थी, धर्मशास्त्र में प्रवेश करना अदालत के लिए उचित नहीं होगा ना, यानी कि उन्होंने इस चीज़ को तो मतलब कि बताया कि मतलब कि इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं, अदालत जो है तो इसमें नहीं करेगा, लेकिन जो विवादित ज़मीन है यदि हम रेवेन्यू रिकॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये सरकारी ज़मीन के तौर पर ही चिन्हित थी है ना। तो वहीं बात करते हैं कि राम जन्मभूमि स्थान जो है तो न्यायिक व्यक्ति नहीं है, जबकि भगवान राम न्यायिक व्यक्ति हो सकते हैं। यहाँ पास सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे इस बात को यहाँ पास बताया है, क्लैरिफाई किया है कि ये जो राम जन्मभूमि है तो जन्मभूमि को कोई न्यायिक व्यक्ति नहीं माना गया है, जबकि यहाँ पास जो राम लला थे तो उनको न्यायिक व्यक्ति माना गया है, यानी कि यहाँ पास जो ईश्वर है राम है तो उनको लीगल एंटिटी माना गया है ना। और वहीं विवादित ढांचा जो है इस्लामिक मूल का ढांचा नहीं था, बाबरी मस्जिद खाली ज़मीन पर नहीं बनाई गई थी, मस्जिद के नीचे जो ढांचा था वो इस्लामिक ढांचा नहीं था है ना, यानी कि जब वहाँ पास जो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट मतलब कि वहाँ पास खुदाई की गई थी तब भी वहाँ पास जो है तो नीचे मस्जिद के मंदिर के अवशेष पाए गए थे। तो इससे एक प्रकार से ये जो है तो सुप्रीम कोर्ट के जो तो डिसीजन के आधार रहे। वहीं उसने मतलब कि ये बात भी स्पष्ट की कि जो ढहाए गए ढांचे हैं उनके नीचे एक मंदिर था, इस तथ्य की पुष्टि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हो चुकी है ना, ये पुरातात्विक प्रमाणों को महज एक ओपिनियन करार दे देना SI का एक प्रकार से
अपनी वो जो हो तो अपमान ही होगा। यानी कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखी जाती है कि जो ऐतिहासिक तथ्य थे, तो ऐतिहासिक तथ्यों को आधार बना करके सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को मतलब कि स्पष्ट किया है। हालांकि ये जो ASI है तो उसने एक तथ्य स्थापित नहीं किया कि मंदिर को गिरा कर मस्जिद बनाई गई थी। सिर्फ ये मतलब कि जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने इस बात की तो पुष्टि नहीं की कि मंदिर को गिराने के बाद मस्जिद बनाई गई, लेकिन वहाँ पर जो खुदाई पे जो पाए गए ना जो साक्ष्य पाए गए तो निश्चित तौर पर जो मंदिर के नीचे के जो साक्ष्य थे तो मतलब कि मंदिर के ही थे, मस्जिद के नीचे जो साक्ष्य पाए गए थे। तो इससे तो निश्चित तौर पे स्पष्ट होता है कि मंदिर के स्थान पर ही मस्जिद बनाई गई थी, है ना। और साथ ही साथ बात करते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि उनके डिसीजन में कि हिंदू इस स्थान को भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम भी विवादित जगह के बारे में यही कहते हैं, है ना। यानी कि मुस्लिम भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि ये राम जी की जन्मभूमि है। वहीं प्राचीन यात्रियों की यदि हम बात करते हैं तो उन्होंने भी अपनी किताबों में, प्राचीन ग्रंथ में भी इस बात को, इन बातों का उल्लेख भी किया है कि अयोध्या जो है तो भगवान राम की जन्मभूमि रही है, ये हिंदू के बहुत बड़ा आस्था का केंद्र भी रहा है ना। और ऐतिहासिक उदाहरण से भी उन्होंने इस बात का संकेत दिया है कि हिंदुओं की आस्था में अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि रही है। वहीं ढाया गया ढांचा ही भगवान राम का जन्म स्थान है। हिंदुओं की ये जो आस्था है ये बिना किसी विवाद के ये प्रकार से ये तो एकदम क्लियर ही है। हालांकि जो मालिकाना हक की बात की जाए तो उसमें धर्म और आस्था के आधार पर स्थापित उसको नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है कि यहाँ पर जो है तो आपके धर्म और आस्था को जो है तो मालिकाना हक के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ये कोर्ट है। यहाँ पर जो है तो जो भी डिसीजन लिए जाएंगे तो लीगल तरीके से लिए जाएंगे और जो साक्ष्य होगा उसी के आधार पर लिए जाएंगे, और ये किसी विवाद पर निर्णय करने के संकेत हो सकते हैं। निश्चित तौर पर ऐसे सबूत मिले कि जैसे राम चबूतरा और सीता रसोई वहाँ पास जैसे हिंदू अंग्रेजों के ज़माने से पहले से ही ये पूजा यहाँ पास होती रही है ना। तो रिकॉर्ड में दर्ज जो साक्ष्य तो यही बताते हैं कि विवादित जो जमीन है तो उसका बाहरी हिस्सा हिंदुओं के ही अधीन था। इन साक्ष्यों से साथ ही साथ जो है तो साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि जैसे ढाया गया ढांचा है तो वही भगवान राम का जन्म स्थान है जिसको ढाया गया था ढांचे को ना। साथ ही हिंदुओं की एक प्रकार से इस पर बात की जाए तो ये तो आस्था का केंद्र ही है। हालांकि जो मालिकाना हक को धर्म और आस्था के आधार पर स्थापित नहीं किया जा सकता है, ये किसी भी बात पर निर्णय करने के संकेत हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई, हम लोगों ने बात की। अब चलते हैं कि इस पर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पास अपने जो डिसीजन है तो उसमें से जो मतलब कि जैसे इसमें 527 बार जो है तो अयोध्या का, 417 बार मतलब कि राम का, मतलब कि एक अपना वो है जिसमें उन्होंने बताया है ना। अब हम चलते हैं जो अयोध्या का विवाद है तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे चलते हैं कि क्या आखिर ये पूरा मामला था, है ना, और कैसे यहाँ पास मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्र स्टेज तक किस प्रकार से डिसीजन यहाँ पास फाइनल हुआ। तो अब यहाँ पास हम इसके बैकग्राउंड पे चलते हैं। तो अब यदि हम बात करते हैं कि जिस प्रकार से बात करें कि तुलसीदास ने जी ने भी 1500 में जो है तो श्री राम जी का जो है तो उसमें वर्णन देखने को मिलता है ना। जबकि बाबरनामा की बात की जाए तो उसमें जो है तो इस प्रकार के मस्जिद के उल्लेख नहीं मिलते हैं। लेकिन यदि हम देखते हैं कि जो अयोध्या की बात की जाए तो इसके तो पहले आप लोग लोकेशन के बारे में जान लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद ज़िले में जो है तो ये स्थित है। और निश्चित तौर पर देखते हैं कि इसी पे हम आगे देखें ना कि जहाँ पास अयोध्या जो है तो राम जन्मभूमि के हिसाब से देखें तो हिंदू जो कम्युनिटी है तो उसका बहुत ही बड़ा एक प्रकार से जो है तो आस्था का केंद्र है। तो वहीं यदि हम बात करते हैं कि 1528 में जब बाबर ने यहाँ पास जो है तो अपने जो उनका सेनापति मीर बाकी था तो उसको मतलब कि उसको ऑर्डर दे के यहाँ पास जो है तो जो मंदिर थी इसी मंदिर में उसने मतलब कि मस्जिद बनवाने के आदेश दिए थे। और 1528 से 30 के बीच जो है तो ये मस्जिद तब बनी थी, बाबरी मस्जिद इसी को नाम दिया गया था ना। यहाँ पास आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्टेड 1525 है ना। और इसी पे सीधे हम आगे देखते हैं कि यदि अब इस पे से हम थोड़ा सा इसके और बैकग्राउंड की बात करते हैं तो देखें कि मस्जिद के गुंबद को ढहाने से पहले हम कुछ चलते हैं कुछ ऐतिहासिक जो साक्ष्य मिले थे तो उन साक्ष्यों की तरफ पहले हम चलते हैं। तो अब ये देखते हैं कि यदि हम बात करें कि 1862 से 63 की बात की जाए, क्योंकि तब अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे उन्होंने जो तो फर्स्ट जो सर्वेक्षण किया था अयोध्या में, तो उसमें जो ये पता लगाने के लिए किया था कि जो बौद्ध स्थल हैं तो वहाँ पर मतलब कि बौद्ध स्थलों का पता लगाने के लिए उन्होंने अयोध्या पे सर्वे किया। तो उन्होंने भी इस चीज़ को माना था कि जो अयोध्या है तो जो अयोध्या में मतलब कि यहाँ पास एक प्रकार से इनका उन्होंने भी इसका उल्लेख किया, और उन्होंने जो तो इसको जो है तो रामायण काल की मतलब कि माना है अयोध्या को, है ना। अब यदि हम देखते हैं कि वहीं अयोध्या में जो है तो 1969 के 70 के समय जब AK नरेन के अनुसार मतलब कि उन्होंने भी जब वहाँ पास मतलब कि वो हुआ था तो उसने उन्होंने AK नरेन ने भी बताया कि जो अयोध्या में लगभग ये बात करें 1969 से 70 के समय जो है तो उत्खनन में AK नरेन जी ने पाया कि अयोध्या में जो है तो 500 BC के आसपास जो है तो मानव आवास के साक्ष्य मिले हैं। वहीं बौद्धों की उपस्थिति का भी वहाँ पास प्रमाण देखने को मिला है ना। तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि जब यहाँ पास 500 BC के आसपास वहाँ पास अयोध्या में मानव आवास के साक्ष्य मिले हैं। वहीं
अब यदि हम बात करें तो जैसे कि देखें साक्ष्यों के बारे में हम बात करें तो 6 दिसंबर 1992 ना, 6 दिसंबर 1992 को जो है तो यहाँ पर बाबरी मस्जिद को ढहाने के मतलब कि ढहाया गया था, है ना, गैरकानूनी, इसे गैरकानूनी तरीके से मतलब किसको किया गया था, जिसमें से जो विश्व हिंदू परिषद और अन्य उसको मतलब कि इसमें इन्वॉल्व थी। अयोध्या में एक रैली, बड़ी रैली मतलब कि निकाली गई थी, और इसको जो है तो मतलब कि इसके गुंबद जो थे उसको यहाँ पास आप देख भी सकते हैं कि ढहाने का प्रयास किया गया था। वहीं फिर यहाँ पास अब एक्शन पे यहाँ पास भी क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अराजकता हुई, लगभग 1.5 लाख कारसेवक वहाँ पास शामिल थे, है ना, तो इससे जो है तो काफ़ी ज़्यादा दंगे भी भड़क गए, तो लगभग लगभग 2,000 लोग भी इससे मतलब कि मृत मतलब इससे मतलब प्रभावित हुए थे। तो इसके बाद यहाँ पास जो है तो सरकार एक्शन में आई और सरकार ने जो है तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया, है ना, तब के जो हमारे राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी थे। उसके बाद 1993 में 1993 में केंद्र ने वहाँ पास एक ऑर्डिनेंस ला करके जो है तो एक जो विवादित जगह थी तो उसको अपने नियंत्रण में ले लिया था, है ना, तो विवादित जो ज़मीन थी तो उसको अपने नियंत्रण में लिया था। तो वो जो ज़मीन थी तो हम उसकी बात करते हैं तो वो लगभग 67.7 एकड़ ज़मीन थी, है ना, जो विवादित ज़मीन ली गई थी। तो इसमें से उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मतलब कि दंगे वगैरह हुए, है ना, और तब फिर जाकर के जांच भी शुरू हुई सरकार के द्वारा। तो उसके बाद जब जांच हुई तो उसमें से जो है तो लखनऊ सत्र अदालत में जो मस्जिद गिराने संबंधित जो सुनवाई वो जारी हुई, है ना, ये जो है तो लखनऊ के सत्र अदालत में जारी है जो गिराने संबंधित मामले थे। और साथ ही साथ जो ज़मीन के मालिकाना हक से संबंधित है, जो कि 67.7 एकड़, ये सरकार ने तो अधिग्रहण वहाँ पास ज़मीन को अपने अंडर में ले लिया था उसके बाद 1993 में अध्यादेश जारी करके, है ना। वहीं जो ज़मीन का मालिकाना हक की बात आई तो इससे जुड़ा जो मामला है तो ये आया कहाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मामला आया। यहाँ पास आप देख सकते हैं तब न्यूज़पेपर में मतलब कितने ज़्यादा देखने को मिल रहे थे, है ना, जो घटनाएं हो रही थी। वहीं 2002 में जो है तो ये वहाँ पर जो साबरमती उसमें जो तो SC6 में जो आग लगने से मतलब 50 से ज़्यादा कार सेवकों की मृत्यु हो गई, तो उसमें भी कितना ज़्यादा दंगे भड़के थे, है ना। तो फिर देखते हैं कि जो 2010 में जो है तो ये मामला आया अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट में। वहीं 30 सितंबर 2010 को जो है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, वो जो डिस्प्यूटेड ज़मीन थी उस पे, जो 2.77 एकड़ ज़मीन थी उस पर अपना फैसला दिया, क्योंकि जो बाकी तो जो 67.7 एकड़ का जो मतलब कि एकड़ ज़मीन है तो उसमें तो सरकार ने मतलब कि वो अपने नियंत्रण में कर ही लिया था, लेकिन जो मेन डिस्प्यूटेड एरिया था 2.77 जो एकड़ ज़मीन थी, तो इसके जो मामले में निपटारे के लिए जो आया था तो ये मामला था कहाँ पास, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो तो उसके 3 जज की पीठ ने जो तो डिसीजन अपना दिया था इसमें, तो उन्होंने इसमें डिसीजन दिया था कि इसमें जो है तो ये जो पूरी ज़मीन है तो इसको जो है तो 1/3 जिसके जो 3 जो पार्टियाँ थीं तो उनको जो है तो 1/3 1/3 जो है तो बांट दिया जाए, है ना, 1/3 1/3 1/3 करके। तो इसमें से जो है तो 1/3 रामलला को देने की बात की गई, जिसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, हिंदू महासभा कर रही थी। वहीं 1/3 जो अन्य भाग सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने की बात की गई थी, है ना, और वहीं जो अन्य 1/3 की बात की गई थी तो उसका हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को देने की बात की गई थी। ये तो अपने बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था। तो इस फैसले से असंतुष्ट होकर के 2011 में जो है तो इस फैसले के खिलाफ हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी, है ना। अब सुप्रीम कोर्ट में आया फैसला, तो यही सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला था सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में 2011 में रोक लगा दी थी, और उसके बाद जो है तो ये मामले को सुप्रीम कोर्ट अब जो है सुन रहा था। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से डिसीजन इसमें लिया, और उसमें से डिसीजन में महत्वपूर्ण यदि हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं तो इसमें से देखते हैं कि पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट के मतलब कि उन्होंने जो है तो आर्टिकल 142 को आधार बनाकर के ये डिसीजन लिया। इस आर्टिकल 142 के तहत ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है तो उसको पूर्ण न्याय की जो एक प्रकार से शक्ति प्रदान कर मतलब कि पूर्ण न्याय देने का मतलब वो है, उसको शक्ति प्राप्त है, है ना, और ये जो उसके आदेश होते हैं तो इसको या तो जब मतलब कि संसद के द्वारा जब कानून पारित होते हैं उसके माध्यम से ये लागू होते हैं, या उसके पहले जो होते हैं राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा ये लागू होते हैं। ये महत्वपूर्ण तो है कि आर्टिकल 142 के तहत इन्होंने मतलब कि इसके डिसीजन दिए हैं। वहीं अन्य बात अन्य महत्वपूर्ण बात की जाए तो इसमें से इसके कुछ महत्वपूर्ण खास पहलुओं पर ध्यान देते हैं। तो ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया तो इसके पहले यदि बात करते हैं तो इसके लिए जो है तो और भी कई रास्ते अपनाने के प्रयास किए गए, जैसे कि मध्यस्थता की भी बातें की गई, है ना, जिसमें से कलीफुल्ला और अपने जो श्री श्री रविशंकर हैं ना, ऐसे 3 लोगों की कमेटी बनाकर मतलब कि ये जो है तो मध्यस्थता से कोई रास्ता ये निकाला जाए, क्योंकि बहुत ही बड़ा एक प्रकार से संवेदनशील मामला भी था, है ना, हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी की बात की जाए तो इससे जो तो कोई ज़्यादा खास इससे हल देखने को नहीं मिला। तब ये मामला एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में तो चल ही रहा था, तो फिर इसने सुप्रीम कोर्ट ने फिर डायरेक्ट अपने ही मतलब टेक ओवर कर लिया, और इसके बाद उन्होंने लगातार ये जो तो 40 दिन तक उन्होंने मतलब कि इस मामले में सुनवाई और ये इसके बारे में सब पूरी चीज़ तो उन्होंने देखा, और उसके बाद जो है तो फाइनली 9 नवंबर को उन्होंने अपना जजमेंट दिया।
अब इस जजमेंट की यदि हम बात करते हैं कि महत्वपूर्ण क्या इसके मतलब कि क्या महत्वपूर्ण इस जजमेंट में है, तो हम उसकी बात करते हैं। तो इसमें उन्होंने जो फैसला दिया है, तो इसमें उन्होंने जो है तो शिया वक्फ बोर्ड जो था, तो उसने भी जैसे कि जो यहाँ पर सुन्नी वक्फ बोर्ड है तो उसकी जगह पे शिया वक्फ बोर्ड दावा कर रहा था कि नहीं ये मतलब कि यहाँ पर मतलब कि हमारा मालिकाना हक है, मतलब जमीन हमारी उस पर है सुन्नी की जगह पे। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, तो उसने जो था शिया वक्फ बोर्ड का जो ये दावा था तो उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया है ना। वहीं जो अयोध्या में जो 5 एकड़ अलग से, यानी कि ये जो यदि हम इसकी बात करें कि ये जो राम मंदिर का ये जो पूरा ज़मीन है ना, तो इसको जो है तो पूरा का पूरा जो तो उन्होंने दे दिया है, रामलला को सौंप दिया गया, यानी कि 2.77 हेक्टेयर जो डिस्प्यूटेड मतलब कि जो ज़मीन थी जिसमें से राम जन्मभूमि का मतलब कि इसको इसके जो साक्ष्य मिले थे, तो उसी आधार पे जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये 2.77 एकड़ जो जो ज़मीन है तो इसका जो मालिकाना हक है तो रामलला को दिया गया है। और इसका जो संरक्षण की बात, तो ये जो भूमि है तो उसको पूरा हिंदू महासभा को सौंपा गया है, जिसको वहीं यदि बात करते हैं अन्य बात की जाए तो यहाँ पर जो निर्मोही अखाड़ा का भी दावा था, तो उसको जो है तो इन्होंने खारिज कर दिया है स्पष्ट तौर पर। निर्मोही अखाड़ा का कोई वहाँ पास मतलब कि रोल नहीं इन्होंने रखा है। और साथ ही कहा है कि मंदिर निर्माण के लिए सरकार 3 महीने के अंदर अंदर यहाँ पास जो तो ट्रस्ट बनाए है ना, और साथ ही यहाँ पास जो तो निर्मोही अखाड़ा को जो उसके दावे को खारिज किया था, तो यहाँ पास थोड़ा सा उन्होंने बैलेंस बनाने के प्रयास किया है। और यहाँ पास बताया कि जो ट्रस्ट है तो इसमें से जो एक सदस्य जो है तो निर्मोही अखाड़ा का भी हो है ना होगा। और साथ ही उन्होंने एक और भी महत्वपूर्ण डिसीजन यहाँ पास ये दिया है कि जो मुस्लिम यानी कि सुन्नी वक्फ बोर्ड है, तो उसको जो है तो अयोध्या में ही जो है तो 5 एकड़ ज़मीन कहीं दी जाए। अब ये 5 एकड़ ज़मीन ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर है कि वो 5 एकड़ ये ज़मीन है तो अयोध्या में कहाँ पास देगी, या तो उसके पास जो 67.7 एकड़ मतलब कि ये जो ज़मीन है तो या तो इससे वो भी दे सकती है कि 5 एकड़ यहाँ से दे दे है ना जो सरकार के उस पर है, या कि अन्य और भी कोई जो ज़मीन है जहाँ पर ज़्यादा उपयुक्त हो तो अयोध्या में ही जो है तो ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए 5 एकड़ ज़मीन सरकार दे ना, ये डिसीजन आया है इसके उस पर। साथ ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है तो एएसआई की रिपोर्ट को आधार बनाती है ना। और वहीं हम बात करते हैं तो यहाँ पर महत्वपूर्ण ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो देवता को कानूनी व्यक्ति माना है ना, यानी रामलला को। और साथ ही साथ बात करते हैं कि जो जन्म स्थल को उन्होंने कानूनी व्यक्ति का दर्जा नहीं दिया है ना, उसको नहीं माना, लेकिन ये जो ज़मीन दी गई है तो रामलला को दी गई है ना, क्योंकि उनको कानूनी व्यक्ति माना गया। और क्योंकि जो रामलला मतलब कि ये भी कहा कि क्योंकि वो छोटे थे इसलिए जो सरकार जो है तो ज़मीन की संरक्षक है ना, उनकी मतलब कि उसको उनके हिसाब से सरकार को इसीलिए जो है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई कि वो मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाए। वहीं राम को लीगल एंटिटी भी बताया गया है ना। और उन्होंने बताया इस चीज़ को मतलब कि एक प्रकार से पूरी तरह से जो है तो इस मुद्दे को बहुत ही संतुलित तरीके से जो है तो ये डिसीजन दिया गया है ना, जिससे कि निश्चित तौर पर जो एक प्रकार से ये भारत एक प्रकार से समरसता का और भारतीय यदि बात करते हैं कि उसमें बहुत ही ज़्यादा ये फैसला ऐतिहासिक इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि विभिन्न वर्षों से जैसे जिस प्रकार से देखते हैं कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जो है तो इसी इन्हीं मुद्दों को लेकर के एक प्रकार से जो है तो एक प्रकार से भारत के विकास की बात किया है या सामाजिक एकता की बात करती है जो है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि प्रभावित होते थे है ना। तो एक प्रकार से ये जो है तो काफ़ी मतलब कि वर्षों से ये लंबित जो मामला था निश्चित तौर पर जो है तो एक प्रकार शीर्ष न्यायालय ने इसको पूरी तरह से जो है तो स्पष्ट तौर पर बहुत ही संतुलित ढंग से जो है तो इसका निर्णय दिया है। इसको विविधता में एक प्रकार से कह सकते हैं कि एकता वाला ये निर्णय माना जा सकता है ना। ठीक उसी प्रकार से कि जिस प्रकार से कह सकते हैं कि दिवाली में अली दिखे राम दिखे रमजान, ऐसा होना चाहिए मेरा हिंदुस्तान। वहीं यहाँ पास देखते हैं कि यहाँ पास हमारे प्रधानमंत्री जी का भी जो है तो उन्होंने भी मतलब ये संदेश दिया है कि राम भक्ति हो या रहीम भक्ति, ये समय हम सभी के लिए भारत भक्ति की भावना को सशक्त करने का है। देशवासियों से मतलब कि उन्होंने मतलब कि शांति सद्भाव की भी बातें की हैं ना। तो बस इस वीडियो में इतने ही दोस्तों, नमस्कार।